हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत सनाट। दोस्तों, अभी कोरोना चल रहा है और इतने टाइम में गवर्नमेंट 45 प्लस तक के लिए कोरोना वैक्सीन लगवा रही थी। अब गवर्नमेंट ने कल 28 तारीख से 18 प्लस के लिए भी वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। दोस्तों, इसके लिए आप तीन तरह से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहला, आरोग्य सेतु ऐप पे जाके करवा सकते हैं। दूसरा, कोविन वेब पोर्टल करके वेबसाइट बनी हुई है, उस पे जाके करवा सकते हैं। तीसरा, आप उमंग ऐप पे भी जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। मैं आपको आरोग्य सेतु ऐप से कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो अपने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए अपन चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ये आ गए हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ पे अपना ऐप खोलेंगे, आरोग्य सेतु ऐप। यहाँ पे ऊपर में आपको कोविन करके एक निशान दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेकंड नंबर पर जाना है आपको, वैक्सीनेशन लॉगिन रजिस्टर है वहाँ पे प्रोसीड करना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर एंटर करें। उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर में आपके एक ओटीपी आया आया होगा, आप ओटीपी एंटर करें उसका। इसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई करें। अभी आपके सामने फोर्थ ऑप्शन आ गए होंगे। अब आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है उसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, वोटर आईडी सारे हैं। मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद अपने फ़ोटो आईडी नंबर डालें जो आपके आधार कार्ड पे हैं, आधार नंबर। नीचे आपके आधार पे जो नेम है वो नेम यहाँ टाइप करें। यहाँ जेंडर सेलेक्ट करें। नीचे अपनी बर्थ डेट डालें। इसमें सिर्फ आपको अपनी ईयर डालना है, पूरी बर्थ डेट नहीं डालनी है। इसके बाद एक बार चेक कर लीजिए, ये इनवैलिड आधार नंबर बता रहा है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। नीचे आते हैं, एक बार चेक करते हैं, सबमिट करते हैं। यहाँ पे भी नेम में थोड़ा मिस्टेक है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। अब सबमिट करेंगे, चेक कर लेंगे एक बार। ये सबमिट कर दिया अपन ने। इसके बाद हमको ये इंटरफेस आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद शेड्यूल वैक्सीनेशन में जाना है, यहाँ पे अपन को क्लिक करना है। इसके बाद आपका पिन कोड डाल सकते हैं अपने एरिया का, या फिर आप क्लिक हियर टू सेंटर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के थ्रू भी जा सकते हैं। अपन यहाँ जाएंगे, क्लिक हियर करेंगे। इसके बाद स्टेट में जाएंगे, आपका जो भी स्टेट है आप सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे मेरा स्टेट सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए, ये हो गया।
इसके बाद फाइंड वैक्सीनेशन सेंटर पर जाइए। नीचे आपको इंटरफेस आएगा सेलेक्ट वैक्सीनेशन सेंटर, आपके पास एरिया पे जो भी नियरेस्ट होगा वो आ जाएगा। मैं ये क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे को ये आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, ये क्लिक किया। इसके बाद चेक अवेलेबिलिटी आएगी, इसके बाद नीचे आपको टाइम और स्लॉट आएगा, आप जो टाइम चाहिए वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसमें अपना टाइमिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रोसीड करना है बस। ये देखिए आपके सेंटर आ गया मेरे, ये सेंटर है, इस डेट को मेरे वैक्सीन लगेगी, स्लॉट टाइम का स्लॉट भी आ गया है, ये नाम आ गया है और मेरी बेनिफिशियरी आईडी आ गई, जो भी आपने आधार कार्ड लगाया है वो आ गया। जब भी आप याद रखें सेंटर पर जाइए तो आपने जिस आईडी से आपने एंटर किया है वो आईडी जरूर साथ में लेके जाइए। तो मैंने आधार कार्ड किया है, मैं जब भी जाऊँगा आधार कार्ड लेके जाऊँगा, फिर कन्फर्म अपॉइंटमेंट पर आप क्लिक करिए। ये किया, ये मेरा कन्फर्मेशन हो गया है। इस तरीके से आप आरोग्य सेतु ऐप पर अपना वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू।